पंजाब की राजनीतिक हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर अपना नया दल बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दल का भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे। इसके साथ ही वे भी अपने परिवार समेत बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। सूत्रों के अनुसार आई इस खबर के अनुसार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का 29 सितंबर को बीजेपी में विलय आधिकारिक विलय होगा। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही उनके साथ पंजाब के करीब 6 से 7 पूर्व विधायक कैप्टन के बेटे रण इंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर, नाती निर्वाण सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम करीबियों और उनके पुराने सहयोगियों को उनकी बेटी और आजकल कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा राजनीतिक काम संभाल रही उनकी बेटी जय इंदर कौर ने 19 सितंबर को दिल्ली पहुंचने के लिए बोला है, जहां उन्हें भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार पंजाब के सीएम रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगभग 9.5 साल का कार्यकाल रहा। पिछले साल चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस ने उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा दिया था। इसके बाद कैप्टन ने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई, फिर भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन उनके कैंडिडेट के साथ कैप्टन खुद भी हार गए। भाजपा को भी केवल 2 ही सीटें मिली। हालांकि इस हार को पंजाब के लोगों की पारंपरिक दलों से बदलाव की इच्छा से जोड़कर देखा जा रहा है।